अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठाक होंगे। मैं हूँ मावरा किरण, एम के सलोन से, मुल्तान से बात कर रही हूँ मैं, गुलगश से। जो लोग मेरे सलोन पे आके मुझसे सर्विस लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। मैंने ना डील लगाई हुई है 1800 में, मैनी पैडी, फेशियल वाइटनिंग और स्किन पॉलिश भी वाइटनिंग, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1800 में मिलेंगी। और आपको क्या चाहिए? बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ। तो जो लोग करवाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवा लें, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन डील नहीं लगाऊंगी, ये जस्ट रमज़ान डील है। तो जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होगा, फेशियल का, वाइटनिंग फेशियल है गारंटी के साथ, और वो भी 1800 में सब चीज़ें। माजरत, जब भी मैं वॉइस करने बैठूँ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब ये पीछे ट्रैफिक का शोर, क्या कर सकते हैं, क्योंकि रोड पे है सैलून, तो इस वजह से। अच्छा, ये कुछ लोग पूछेंगे कि आपका एड्रेस क्या है। गुलगश सदीकिया रोड पे है, ठीक है, लतीफ़ सुपर स्टोर है उसके सामने जो सड़क जा रही है, ठीक है, रोड जा रहा है जो, उसी रोड पे है मेरा सैलून, एम के सैलून, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें जी, मैंने कट किया है, कट आप कर सकते हैं मेरी बेस से भी, एम के मजेस्टिक बेस से भी। आज मैं वही अप्लाई करूँगी, ग्लिटर भी मेरे, हर चीज़ मेरी अपने ब्रांड की है, आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका, जब आप यूज़ करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा, उससे पहले अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। बहुत बहुत कवरेज है इसकी, और आपको स्क्रीन पर लग रहा होगा कि वाइट कलर है, बिल्कुल भी वाइट कलर नहीं है, नॉर्मल शेड है, ठीक है। और ये देखिए, मैंने जब इन्हें, ये जो मैंने जो शेड जो मैंने मेहरून शेड लगाया था ना, वही मैंने इनर की तरफ ले गई हूँ, इसकी हार्शनेस ख़त्म करने के लिए। कंसीलर जब हम लगाते हैं तो उसकी हार्शनेस ख़त्म करने के लिए मैंने लगाया है मेहरून शेड, इनर अंदर की तरफ जाए, ताकि ये इसकी हार्शनेस, हार्शनेस ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद ना मैंने मेटेलिक शेड उठाया, वो मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर देनी। आपने ये मेरे पास थी शेफ़र की ग्लिटर ग्लू, जो कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहता है उससे ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये ग्लिटर्स भी एम के कॉस्मेटिक के हैं, यानी कि मेरे अपने ब्रांड के हैं, बेस भी मेरे अपने ब्रांड की है, हर चीज़ मेरे अपने ब्रांड की है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं मुझसे, और सब आपको ओरिजिनल चीज़ें और मुनासिब रेट पे मिलेंगी। अब मेरी डील लगने वाली है इंशाल्लाह से, ये रमज़ान डील, बहुत सारी धमाका डील्स लग रही हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी इस डील को, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। क्लासेस वगैरह के लिए भी, जो अदर सिटीज़ से हैं उनके लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम है, तो जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएँ, ठीक है जी, इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये मेरा अपना ही पर्सनल नंबर है, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर देखती हूँ। अच्छा जी, ये मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, जेल लाइनर है, चाइना का, ओरिजिनल हो, शर्त यही है कि ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। जब चीज़ ओरिजिनल होती है तब आपको पता, रिज़ल्ट भी उसका अच्छा होता है, उतना ही अच्छा होता है। ये देखिए एम के मजेस्टिक की, ये ओल्ड पैकिंग है, ये ना कहिएगा कि ये मैम ये वाली अब तो नहीं है। देखिए ये पुरानी पैकिंग है मेरी, न्यू पैकिंग जो है वो ब्लैक ढक्कन में है, ब्लैक ढक्कन में, ठीक है, ब्लैक पैकिंग है, तो आपने ये ख्याल रखना है लेते हुए, ठीक है। और इसी तरीके से आपने अप्लाई कर देना फिंगर से, कम कम क्वांटिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि कवरेज बहुत ज़्यादा है, ये देख सकती हैं आप, कवरेज तो ना पूछें जितनी कवरेज है इसकी, कवरेज इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए फिंगर से आपने ब्लेंड कर लेनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी लगती है आपकी, एक बेस से काफ़ी ब्राइट आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। 1750 की मेरी लार्ज पैकिंग है, और सॉरी स्मॉल पैकिंग है, 3750 की लार्ज है, ठीक है, 3750 की लार्ज है और 1750 की स्मॉल है। फिंगर से इसे अच्छे से ब्लेंड करते जाना जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, फिर ड्राई स्पंज से ना इसे टैप टैप करके आपने अच्छे तरीके से स्किन में चस्प कर देना, ठीक है। ये देखें जिस तरीके से मैं हैंड चला रही हूँ ना, इसी तरीके से, ये ज़रा थोड़ी सी फास्ट है, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इस वजह से ना मैंने इसका जो स्पीड है इसकी वो थोड़ी सी मैंने फास्ट रखी है। अच्छे से आपने सारी बेस को ब्लेंड कर लेना है ड्राई स्पंज के साथ। अभी आपको बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, ये कैमरे में ऐसे आपको लग रहा है, रियल में आपको नहीं लगेगा, ठीक है जी।
इस तरीके से आपने ब्लेंड करते जाना। उसके बाद मैंने मिनरल बेस अप्लाई किया, मिनरल बेस मेरी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें शाइनर ऐड है ऑलरेडी। जब हम मिनरल बेस लगाते हैं तो ये फिक्स हो जाती है। आप जो जो लोग गांव में रहते हैं जिनके सिटीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो बस फिर ये तोहफ़ा है, आप लोग लाजमी मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और जो लोग अच्छे से अप्लाई करते हैं उन्हें कभी कंप्लेन नहीं हुई बेस की, ठीक है। जो लोग कोर्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छे से आपने ड्राई स्पंज से ब्लेंड करना है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है वो वेट स्पंज से, जब मैं बेस अप्लाई करती हूँ मैंने हमेशा ड्राई स्पंज यूज़ किया, ये मैं आपको बता दूँ। कुछ काफ़ी लोग पूछते हैं, ठीक है, स्टूडेंट भी मेरे और सभी, ड्राई स्पंज होगा तो आपकी बेस ब्लेंड होगी, क्योंकि ड्राई स्पंज के साथ जो एक्स्ट्रा बेस होती है उसके एक्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और वो उसके बाद जो हमारी जो जितनी लगनी होती है वो लग जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ, एम के ब्रांड का ही है, यानी कि मेरे अपने ब्रांड का। तो आइस के नीचे मैंने वही कलर अप्लाई किया जो आइस के ऊपर अप्लाई किया, मेहरून मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइनर ऐसे आइस को ऊपर की तरफ आप खींचे और उसके बाद आप लाइनर लगा दें। ग्लिटर्स मैंने अपने ब्रांड के ही लगाए हैं आपके सामने, कितनी शाइन है। जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, चाइना का ओरिजिनल जेल लाइनर। आईब्रोज इनके बने नहीं हुए थे तो इन्होंने कहा था मैंने मोटे ही रखवाने हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप आईब्रो की शेप रख सकती हैं, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छे से आपने ब्लेंडिंग कर देनी, ये ब्लेंडिंग लाइनर था तो विंग भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप सॉफ्ट मेकअप भी कर सकती हैं, आप कोई किसी भी तरह का मेकअप कर सकती हैं, मैंने तो हर तरह का मेकअप आपको सिखाना है, ठीक है। तो कुछ लोग बैड कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ इससे ग्रेस करें। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते ना वो बैड कमेंट्स ही करते हैं, और कुछ उन्हें आता तो है नहीं तो उन्होंने यही काम ही करना है। खैर वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते मेरा, क्योंकि बहुत चाहने वाले भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। इन इंसानों के हाथ में हो तो वो रिस्क भी ना दें, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला के हाथ में है। खैर कोई इशू नहीं है, मेहनत करते जाएं, बैड कमेंट्स और बैड जो बोल बातें करने वाले लोग हैं वो तो आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेंगे ना। वो कहते हैं क्या, आप कामयाबी पे जब आप जाते हैं ना तो आपको हर एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ता है जो बस खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों के ऊपर बैड कमेंट्स करते हैं। रिसेंटली मुझे कमेंट्स आए थे ऐसे, तो मुझे दुख होता है आप लोगों की सोच पे, आप लोगों की कितने कैसी सोच है आप लोगों की, जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं अल्लाह उन्हें हदायत दे। तो मेरा तो खैर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो मेरे सपोर्टिव है माशाल्लाह से बहुत अच्छे, मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे चाहने वाले, बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, यही बहुत आपका बहुत बड़ी बात है आपकी, और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, लाइनर को आपने दोबारा नीट कर लेना, ठीक है, लाइनर आपका अच्छा हो, नीट हो, आपका काम अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये नोज़ के कंटूरिंग कर ले, किसी भी ब्रश से आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपके पास होगा तो आप काम कर सकते हैं, नहीं जो आपके पास है उससे आप काम करें। और ब्लशर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कंटूरिंग पैलेट कोई भी यूज़ कर सकती हैं, और ब्रशेज़ भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस ब्रिसल्स उसके सॉफ्ट होने चाहिए। कोई चीज़ आपको चाहिए इसी नंबर पे आप रابطہ कर सकते हैं, जो मुल्तान के लोग हैं वो मेरा सैलून गुलकश सदीकिया रोड पे आप आ सकती हैं। मेकअप क्लासेस, कोर्सेज और हेयर कलर, हेयर डाई वगैरह इन सब की क्लासेस वगैरह भी होती रहती हैं, इन सब का काम भी होता रहता है, तो काइंडली आप आएँ, मेकअप की क्लासेस ले लें, जिसकी मर्ज़ी क्लास ले लें, वन डे क्लास भी होती है, जो आप लेना चाहती हैं वो ले सकती हैं, मुझे इसी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। कि मैंने कॉम्पैक्ट ले लें या मेरे ब्रांड का फिक्सर से आप कर लें, या कोई लूज़ पाउडर है उसी से आप इनकी कट, वो जो कंटूर को हम कट करते हैं इससे ज़रा नीटनेस लुक आ जाती है ब्राइड की, ठीक है। और हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का, यहाँ पे वैसे मेरे अपने ब्रांड का है वो, इससे भी अच्छा है, ठीक है, जो लोग ये लेना चाहते हैं वो ये ले लें, कोई और लेना चाहते हैं तो वो मेरे ब्रांड का भी ले सकता है, ठीक है। इसकी प्राइस 400 ईच है, ज़्यादा महंगा नहीं है ना वो ना ये, मेरे अपने ब्रांड का वो भी 400 ईच है। लिप ग्लोस मैं डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ, मैं आउटलाइन यूज़ नहीं करती, मैं लिप ग्लोस से ही उनकी आउटलाइन करती हूँ, उसी से ही मैं फिर सॉफ्ट कलर लगा देती हूँ, या तो कोई मैं अब ये मैंने मेहरून लगाया ना, इसके बाद मैं डार्क रेड, ब्लड रेड कलर का मैंने ग्लोस लगाऊंगी। जैसे आप ड्रेसिंग देखें, आजकल तो वैसे सॉफ्ट भी चल रही हैं लिपस्टिक्स, लेकिन बस वो डिमांड की बात होती है कि डिमांड क्या है, ठीक है। अच्छे से आपने मेकअप करना है, दिल लगा के करना है। देखिए जब हम मेहनत करते हैं ना तो हम कामयाब ही होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो लोग बातें करते हैं वो बस बातें ही करते रह जाते हैं, वो कुछ कर तो सकते हैं नहीं, बस इसी वजह से फिर बातें करते हैं।
मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप मेरे पेज पे रहें। देखिए बहुत सारे पेज हैं, आप उनके पेज पे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप बैठ कमेंट्स करें। आपको नहीं पसंद आता तो हज़ारों पेज हैं, आप उस पे जा सकती हैं। माजरत है पीछे शोर आ रहा है क्योंकि मैं सैलून में हूँ, सैलून रोड के ऊपर है तो इस वजह से, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, ये ब्लड कलर का है, ये ग्लोस फेसिट का 350 का ईच है, बहुत ज़बरदस्त इसका ये शेड है, मेरा फेवरेट है। आप लोग भी ब्राइड के लिए यस ऐसे ही शेड रखें, जो मतलब देखें आप ब्राइड अगर लाइट, आजकल तो वैसे चल रहा है लेकिन जब वो रेड कलर लगाती है तो वाकई वो अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी आप न्यूड भी लगवा सकती हैं क्योंकि हमने चेंज करना होता है, वैसे तो मैं, मेरी पर्सनली एडवाइस है कि आप रेड कलर लगाए करें। अच्छे से आपने शेप बनानी है, कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, नीटनेस से आपने काम करना है, कहीं से ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने फ्लैट ब्रश लेके उसके ऊपर कोई भी ड्राई बेस, कभी भी आपने लिक्विड बेस से लिप्स साइड नहीं करने, हमेशा ड्राई बेस यूज़ करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने लिप्स, आप मैक का जो वो होता है ना बेस, उससे आप कट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बेस फिक्स हो जाती है उसके बाद आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। अब मेरे हाथ में मैक का बेस है, आप कोई भी ले सकती हैं, केक उससे आप कर सकती हैं, बट आपको ये ख्याल होना चाहिए कि वो बेस फिक्स हो चुकी है, लिक्विड आपने कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं करनी। शाइनर आप अप्लाई कर सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये शाइनर, मेरे ही ब्रांड का है और इतनी अच्छी शाइन आ रही थी फेस से। ये भी 400 ईच है और ब्रश आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, फ्लफी सा, और मेकअप आपके सामने है। पहले आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा वाइट है फेस और अब आप देख सकती हैं। दोबारा फिनिशिंग देने के लिए आपने एक एक चीज़ पर टचअप करना होता है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरीके से आपने आईब्रो ब्रश लिया, उसी के ऊपर दोबारा वो कर दिया, क्योंकि आपको पता है जब बेस वगैरह बाकी चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा ये भी, हाँ जी जी, ये आप बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं, कितना हसीन मेकअप है, बहुत ज़बरदस्त मेकअप है आपके सामने है। तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, सॉरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी है और आप क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह से इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो लाऊंगी, मैं अक्सर कहती हूँ रेगुलर लाऊंगी, फिर किसी ना किसी बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, मैं आपको नहीं सिखा पाती, माजरत है। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं तहे दिल से उनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो बैड कमेंट्स करते हैं अल्लाह उन्हें हदायत देगा, और तो वो कुछ कर नहीं सकते, यही कुछ करके अपना गुजारा करते हैं ये ऐसे लोग। अभी इनकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत हसीन मेरी मॉडल लग रही थी। अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा गुलगश्त में मैंने न्यू सैलून ओपन किया था, आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।